भारत लगातार कनाडा को ये चेतावनी देता रहा कि वो खालिस्तानियों के खिलाफ एक्शन ले, लेकिन कनाडा ने भारत की चिंताओं को नजरअंदाज किया और अब जब चीन ने कनाडा की धज्जियां उड़ाई है तो आज वही कनाडा भारत को खुश करने में लगा है। कनाडा ने लंबे समय से चली आ रही अपनी नीति में बदलाव करते हुए हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य खर्च बढ़ाने का फैसला किया है ताकि चीन से बदला लिया जा सके और उस पर दबाव बनाया जा सके। इसके लिए कनाडा को भारत की जरूरत है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की आक्रमकता को रोकने की हिम्मत सिर्फ भारत में ही है, इसलिए हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन को रोकने के लिए फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और चीन के कई पड़ोसी देशों ने भारत के साथ समझौते किए। अब इसी कड़ी में कनाडा ने अपना रणनीतिक डॉक्यूमेंट जारी किया है। इस डॉक्यूमेंट में कनाडा ने 27 बार भारत का नाम लिया है। आपको याद होगा कि अमेरिका और फ्रांस के डॉक्यूमेंट्स में भी भारत का नाम था। इन देशों के रणनीतिक डॉक्यूमेंट्स में नाम आना ये दिखाता है कि इन सभी को चीन से टक्कर लेने के लिए भारत की कितनी जरूरत है और अब कनाडा की सरकार को अपने इस हिंद प्रशांत रणनीति के लिए भारत की जरूरत है। फिलहाल इस पूरे खबर पर आपके क्या विचार हैं कमेंट में बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।